सीमा पर रात दिन देश की रक्षा करने वाले वीर जाबाज की तरह देश के कोने कोने में बने आयुध डिपो में कार्यरत फायर ब्रिगेड सैनिक कर्मचारियों की अखिल भारतीय स्तर पर विविध शारीरिक स्पर्धा दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर आदि राज्य के तकरीबन 500 से ज्यादा कर्मचारी ने भाग लिया था, जिसने संपूर्ण भारतवर्ष में पुलगांव स्थित सीएडी कर्मचारी सर्वश्री योगपाल ने 200 मीटर में स्वर्ण, धर्मवीर ने 400 मीटर में स्वर्ण, मोहन कावरे, रविंद्र एवं अन्य एक ने पंप ड्रिल में स्वर्ण पदक जीता एवं संदीप ने रजत, अमनदीप, रविंद्र व धर्मवीर ने अन्य स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के साथ साथ पुलगांव सीएडी का नाम रोशन किया। उनके आज पुलगांव आगमन पर पुलगांव रेलवे स्टेशन से शक्ति द्वार तक खुली जीप में भारी जन समुदाय के उपस्थित जगह जगह स्वागत कर लाया गया। पुलगांव सीएडी के स्टेशन कमांडेंट ब्रिगेडियर विनय नायर, डेप्यूटी सामदेशक, प्रशासकीय अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विष्णु गोपाल, इन्होंने जीत पर बधाई दी। सीएडी प्रशासन ने जो हमें मदद की, जो है प्लेटफॉर्म की उपलब्धि दी, हम पूरा क्रेडिट सीएडी पुलगांव प्रशासन को देते हैं। और ये जो जीत हुई है, हमारे 2031-16 में जो बंदे शहीद हुए हैं उनको ये जीत ऑल इंडिया ओलंपिक की जो जीत है वो उनको प्रदान करेंगे, समर्पित करेंगे। ये बताइए कि आपको ये अपेक्षा थी इस जीत की? हाँ सर, अपेक्षा थी। पूरी 4 महीने से इसके पीछे ये सभी लोग, फायर स्टाफ, हमारे एडीपो साहब, इंस्पेक्टर, एसओ, ये सभी लोगों ने पार्टिसिप करने के लिए जाना था, तो पूरी तैयारी करके वो रात दिन उन्होंने अपना प्रयास किया और सीएडी पुलगांव का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने अपनी जान झोंक दी। हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मठ वीर जवान, शूर जवान, इन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा के सीएडी के लिए नाम रोशन करने के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल बताओ सर। गए थे तो हमारी कुछ तैयारी नहीं थी, हम गए, हमारे आंखों में आंसू आए। पूरे भारतवर्ष से बहुत सारी टीमें आई थी, सभी मेडल प्राप्त कर रही थी, लेकिन इस बार हम कठोर परिश्रम कर वहाँ उतरे और इस बार हमारे हाथ में 5 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 कांस्य पदक लगे। इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स गए थे, सभी प्लेयर्स ने एक अपना अच्छा प्रदर्शन वहाँ किया। जो मेडल न प्राप्त कर सके वो बिल्कुल लास्ट पे, जैसे एक बंदा चौथे स्थान पे रहा टफेस्ट फायर फाइटर में, और हमारी एक लैडर ड्रिल थी वो भी चौथे स्थान पे रही, थोड़े थोड़े से मेडल चुके। हम आशा करेंगे अगले फायर गेम्स जो कि गोवा में होने जा रहे हैं उसमें हम सारे के सारे गोल्ड लाएंगे। सीएडी पुलगांव की, सीएडी पुलगांव की, सीएडी पुलगांव की, सीएडी पुलगांव की। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज़, पुलगांव।